गुड मॉर्निंग क्लास, आपका फिर से वेलकम है स्टडी कीड़ा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टाटा समूह द्वारा लॉन्च किए गए किस देश के पहले औद्योगिक रोबोट का नाम क्या है? ब्रावो। टाटा समूह की एक कंपनी है TAL के द्वारा लॉन्च किए गए देश के पहले औद्योगिक रोबोट का नाम है ब्रावो। नेक्स्ट, हाल ही में ही वन बेल्ट वन रोड OBOR परियोजना के अंतर्गत चीन से किस देश के लिए मालगाड़ी सेवा शुरू की गई है? वो है ब्रिटेन। चीन एशिया अफ्रीका यूरोप में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसने एक मालगाड़ी सेवा शुरू की गई है, जिस वो वन बेल्ट वन रोड परियोजना के अंतर्गत किसके साथ? ब्रिटेन। सुप्रीम कोर्ट ने किस बिजली कंपनी के टैरिफ बढ़ाने पर रोक लगा दी है? टाटा पावर और दूसरी है कंपनी अडानी पावर लिमिटेड, ये अपने टैरिफ नहीं बढ़ा सकते सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की किस विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को 10 अप्रैल 2017 को निरस्त करने की घोषणा की हुई? आर के नगर। इस आर के नगर विधानसभा क्षेत्र से तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, रिक्त हो गई थी, उस पर उपचुनाव घोषणा होना था, वो रद्द कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है मालविका सिन्हा। कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है मालविका सिन्हा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की है? वो है छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में की है छत्तीसगढ़ ने शराबबंदी की घोषणा, इससे पहले नीतीश की सरकार ने की थी बिहार में, उससे पहले गुजरात। तो तीन राज्य ऐसे जहां पर पूर्ण शराबबंदी की घोषणा हो चुकी है, सबसे पहले था गुजरात, उसके बाद है आपका बिहार नीतीश की सरकार, और अब छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने ऐसी घोषणा की है, और मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भी पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की है नर्मदा सेवा के अंतर्गत। नेक्स्ट, गोबर गैस से चलने वाली बस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? कोलकाता। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है प्रोफेसर सुनैना सिंह को नियुक्त किया गया है कुलपति के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य ने जीती है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में ही RBI के डिप्टी गवर्नर का कार्यभार किसने संभाला है? तो वह विभू प्रसाद कानूनगो। थैंक्स, आप हमारे स्टडी कीड़ा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।